फिर से मेरा नमस्कार, नाम मेरा बलवीर है और मैं सोर्सिंग बिजनेस को अभी सीख रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग। कोई भी अगर काम करते हैं तो हमें उसका नॉलेज जरूरी होना चाहिए। हम इस बिजनेस में आए हैं, क्यों आए हैं, हमें करना क्या है, तो इसलिए हम कौन से बिजनेस में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी चार रूल होते हैं, उस चार रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे, उसमें से अगर एक कर दिया तो आपके तीन में भी कमी पड़ जाएगी। जैसे गाड़ी है, कार है, अगर उसके टायर में अगर एक में भी हवा कम हो जाएगी तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर उसमें टायर में बराबर हवा होगी तो वो अच्छी तरह से चलेगी। तो इसलिए इसके भी चार रूल हैं, हमें चारों के चारों फॉलो करना चाहिए। पहला रूल ये है कि 100% हमें प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा जो है सेलिंग करना। ये तीसरा जो है नेटवर्किंग, और चौथा जो है आगे लीडरशिप। रूल है ड्रग सेलिंग में, सिर्फ चार ही रूल ऐसे हैं जो फॉलो करने हैं। अगर आपके सामने सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा वो मेरा एक पहला जो है 100% यूज प्रोडक्ट यूज, ठीक है पढ़ना है। और जैसे हम इस यहाँ के 100% यूजर बनते हैं तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमें एक क्या करता है कि हमें ताकत मिलती है। उससे ताकत से क्या करते हैं, हम किसी दूसरों को बताते हैं इसके खाने से क्या फायदे हैं, इसके खाने से क्या नुकसान है। तो उसके साथ क्या होता है कि जैसे आप 100% यूजर करते हो तो उसी प्रकार से अपनी टीम को भी आप बता सकते हो और लोगों को भी बता सकते हो, अच्छी टीम बना सकते हो। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमें शाकाहारी मिलता है, मतलब वेजिटेरियन मिलता है। हमें गर्व होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो पर्सनल केयर है, फिर होम केयर है, फिर उसके बाद फूड, सब यहाँ पे मिलता है। तो हमारे घर में तकरीबन जो भी यूज करने की चीजें हैं 850 प्रोडक्ट में से सभी यूज करने वाली हैं, वो ही आपको करनी पड़ेंगी। प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका नॉलेज भी लेना जरूरी है। तो प्रोडक्ट यूज किया और घर में करवाया, जब हमारे घर में मेहमान आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमारी जो प्रोडक्ट की सामग्री है वो यूज करना पड़ेगी। जैसे हेल्थ कार्ड हो गया, नमक हो गया, चाय हो गई, या फिर मिक्सचर हो गई, बिस्किट हो गई, किसी को हमने वही खिलाना चाहिए। उसके सामने हमें ये बनाना भी चाहिए जैसे कि। फिर उसके बाद यही बातों का ध्यान रखना है जब हमारे घर में शादी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, ऐसा करोगे आपको देख के लोग भी फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे आरसीएम बिजनेस में की जानकारी लेना जरूरी है। जैसे हमारे पास वेजिटेरियन है, हमारे पास न्यूट्रिशन है, न्यूट्रीचार्ज जो भी जितने भी हैं वो हम ऐसे सेल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, हमें उसके लिए मीटिंग अटेंड करना पड़ती है, उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है। आप खेती करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हरी संजीवनी है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते आप तो आप आज के बाद बगीचे में आगे, जैसे हम देसी में बोले तो सगाड़ सगाड़ बोलते हैं, सब्जियां लगाना शुरू कर दो, और जो सब्जियां हैं वो आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाओगे। अगर आप, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके कुछ पैसे भी बचाएंगे। तो अपने घर में गमले रखना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं रखते तो गमले रखना स्टार्ट कर दो, उसमें आप गार्डन बोर्ड मिला के आप उसमें गमले में यूज करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो और लोग आपको देख के कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग आपको फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं 100% की यूज की ये बात कर रहा हूँ, कि ये नहीं कह रहा कि जो सारा सामान है आप वही लो। जैसे मानो कि आपके घर में अगर अगरबत्ती नहीं चलाते हैं तो आप ना खरीदो। जैसे कि आप चाय, अगर चाय पीते हो तो कॉफी नहीं पीते, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में कॉफी ले जाओ, आप चाय ले जाओ। तो 100% यूज कर मतलब कहने का है कि जो आपके घर में यूजिंग होती है वो ही आपको करनी है। मेरा बस यही था, धन्यवाद। आप भी देख लीजिए कि मेरा है बहुत बढ़िया।